हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु गोयल है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, UPVMS सैफई इटावा। मेरी ऑल इंडिया रैंक 12,735 थी और नीट मार्क्स 617। आज मैं आप लोगों के साथ नीट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और कैसी मेरी जर्नी रही इस सबको शेयर करना चाहूँगा। तो जैसा कि मैं आपके सब बताऊँ कि 12th के बाद मैंने जो है कोचिंग ज्वाइन करी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन के बाद ही 4-5 महीने बाद मुझे कोचिंग को छोड़ना पड़ा। और सर, मैंने नीट दिया लेकिन मेरे मार्क्स कुछ खास अच्छे नहीं थे, मतलब 400 के अंदर ही थे। उसके बाद मैंने फिर दोबारा ड्रॉप करा, फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी, लेकिन उस साल मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई। मुझे कुछ कार्डिक प्रॉब्लम भी है, तो जिसकी वजह से मेरे साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं। उस साल 40-50 मार्क्स इंक्रीज़ हुए, लेकिन इतने नहीं हुए कि मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊँ। तो मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद मैंने सैर को इंस्टीट्यूट में जो है ज्वाइन करा, और वहाँ पे जाके मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। वहाँ पे मेरे को तीनों ही सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे फिज़िक्स में मिली। वहाँ मेरे को अनिस सर मिले, जिन्होंने मेरी हेल्प काफ़ी ज़्यादा करी। उन्होंने क्या करा, मतलब हर क्वेश्चंस, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कॉन्सेप्ट मेरे बहुत वीक थे, जिन क्वेश्चंस को मेरे को समझ में नहीं आता था कि इनको कैसे टैकल करना है, अनिस सर के पढ़ाने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो समझ आने लगी। कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, किन क्वेश्चंस को करना है, किन क्वेश्चंस को नहीं करना है, पेपर को कैसे क्या कहते हैं, पेपर को कैसे जो है करना है हमें एग्ज़ाम टाइम पे, और काफ़ी सारे हेल्प मिली। अनिल सर क्या करते थे, मतलब हमारी एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ हमारी मेंटल स्किल्स पे भी जो है काम करते थे। समय समय पर सब बच्चों को मोटिवेट करते रहते थे और चीज़ों को रिपीट करा करा के जो है पूछते थे, रिवीजन कराते थे, होमवर्क भी देते थे कि तुम्हें ये करके आना है, वो करके आना है। तो मतलब एक अच्छा वाला एक पॉजिटिव प्रेशर रहता था पढ़ाई का, कि हाँ हमें ये करना है, आज हमें ये कंप्लीट करना है। तो एक फ्लो बना रहता था पढ़ाई का। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री हमें संजय सर पढ़ाते थे, काफ़ी हेल्प मिली उनसे भी। वो इनऑर्गेनिक के अंदर काफ़ी फनी ट्रिक्स वगैरह जो है बना के हमें उन चीज़ों को याद करने की कोशिश कराते थे, कि काफ़ी वैसे बच्चे समझते कि इनऑर्गेनिक काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सर ने काफ़ी अच्छे अच्छे निमोनिक्स बना रखे थे, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बना रखी थी। SKTs थी सर की कुछ स्पेशल्स, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी सर ने काफ़ी सारे डाउट क्लियर करे। कुछ कॉन्सेप्ट जो मेरे वीक थे, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। GOC और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो टॉपिक हम स्किप कर देते हैं, लेकिन सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया हमें। और बायो में भी काफ़ी मेरे को हेल्प मिली। और टाइम टू टाइम जो है कोचिंग में टेस्ट हुआ करते थे, जिनसे हमें काफ़ी हेल्प मिलती थी। और जिस दिन टेस्ट होता था उसी दिन 1-2 घंटे में जो है सब्जेक्ट वाइज उन टेस्ट का एनालिसिस होता था, जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम्स का पता चलता था, हमें अपनी गलतियों का पता चलता था, ताकि हम नेक्स्ट टाइम पे उन गलतियों को ना करें। और ये सब है। और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे सैर इंस्टीट्यूट से, मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे कुछ फ्रेंड्स से जिनका सिलेक्शन हो गया था MBBS में लेकिन मेरा नहीं हो पाया था, तो वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे। तो सब लोग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे इस पूरी जर्नी में। मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं ज़्यादातर जो MBBS कॉलेज में थे, जो मेरे को बार बार मोटिवेट करते रहते थे, कर लेगा कर लेगा। तो मैंने गिव अप नहीं करा, और इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी जो है मैंने गिव अप नहीं करा। तो मैं 2-3 चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन टाइम पे वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहला होता है कि डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से। 4 दिन पढ़ाई करी, फिर किसी चीज़ को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो गए, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है वो। तो हमें क्या करना है, प्रिपरेशन टाइम पर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है चीज़ों का। मैं बच्चे सोशल साइड पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते, मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल साइड पर से दूर रहें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सोशल साइट पे लगे रहे आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या सोशल साइट जो भी तुम यूज़ करते हो उसको तुम एज अ रिवार्ड यूज़ करो। मतलब 2 घंटे 3 घंटे की स्टडी करी कंटिन्यू, उसके बाद 5-10 मिनट को चलाया एज अ रिवार्ड, कि हमने भाई 4 घंटे या 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा थक गया तो थोड़ा वार्म अप करने के लिए 5-10 मिनट को चलाया। तो तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ दे सकते हो, लेकिन फालतू वीडियोज़ नहीं देखनी है। टेलीग्राम वगैरह पर कौन बहुत सारे फालतू ग्रुप हैं, मतलब पढ़ाई को लेके ही है लेकिन काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, उसमें क्या होता है टाइम वेस्ट होता रहता है। नोटिफिकेशन आता है, क्वेश्चंस पूछता है कोई, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपनी सेल्फ स्टडी, मतलब वहाँ पे क्या होता है एक क्वेश्चन के पीछे तुम 10-15 मिनट लगा देते हो, उससे अच्छा है कि तुम अपना टाइमर सेट करके जो है अपने सेल्फ स्टडी को टाइम दो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के टाइम पर। कि क्या होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते। 2 दिन तो बहुत ही, जब कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन फिर बैक टू पवेलियन हो जाते, एकदम फुस हो जाते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई के साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम 8 घंटे पढ़ो, चाहे 18 घंटे पढ़ो, डजेंट मैटर, प्रोडक्टिव होनी चाहिए वो 8 घंटे भी जो है, प्रोडक्टिव होनी चाहिए हमारी पढ़ाई की। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। डेली का अपना शेड्यूल बनाओ,
रात को सोने से पहले अपना शेड्यूल बना के मुझे कल केमिस्ट्री में ये, फिजिक्स में ये, बायो में ये करना है, और जब वो हो जाए दूसरे दिन तो उस पर क्रॉस करते चले जाओ डे बाई डे कि मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करो। बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से ही जो है कोई भी टॉपिक उठा लिया, आज चलो लॉस ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, आज ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं। नहीं, अपना एक शेड्यूल बनाओ, खुद का ही एक टाइम टेबल बनाओ, अपनी कोचिंग, अपनी टेस्ट सीरीज के अलावा भी खुद का एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस टाइम पर ये चीज़ खत्म करनी। भले वो खत्म ना हो लेकिन एक प्रेशर रहेगा, एक फ्लो बना रहेगा पढ़ाई का, मुझे अब ये करना ही करना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है रिग्रेट। क्या होता है कि बच्चों का रिजल्ट आता है, नीट का एग्ज़ाम मेरे को भी होता था, मेरे इतने ड्रॉप हुए तो मुझे भी रिग्रेट हुआ हर बार कि यार मैं काश ऐसे कर लेता, काश मैं कोचिंग ज्वाइन कर लेता, काश मैं ऐसा पढ़ लेता, काश मैं उस बुक से पढ़ लेता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे नीट के रिजल्ट आने के बाद, नीट एग्ज़ाम देने के बाद जितना करना है कर डालो, जितना कर सकते हो कर डालो, फालतू बुक्स पे मत जाओ, एक बुक पे स्टिक रहो। कोई भी बुक जो है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराती है, जिस बुक से क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं आते हैं, अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से एडवाइस लो, उस बुक को सॉल्व करो। मैं कोई बुक तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक्स बुक या वाई बुक जो है तुम्हारा, तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। डजेंट मैटर बुक कोई भी हो, बस तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट देना टाइम टू टाइम, और उन टेस्ट को एनालाइज भी करना है। बच्चे टेस्ट देते थे लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते, आधे घंटे एक घंटे में चेक करा कि मेरे इतने सही हैं इतने गलत है, तो वो एनालिसिस नहीं हुआ। एनालिसिस क्या मतलब, पूरा एक दिन या 2 दिन लगाओ उस टेस्ट पर कि क्या क्या गलती हुई है, या जो क्वेश्चन सही भी हुए वो सही कैसे हो गए, तो उन सारी चीज़ों को देखो अच्छे से। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे इतनी रैंक लानी है, इतने मार्क्स लाने हैं, इतने नहीं आए तो मैं तो रह जाऊंगा, इस बार तो मेरे 600 थे, अगर अगली बार 650 नहीं आए तो एडमिशन नहीं होगा। ये सब सोचना ही नहीं है, क्योंकि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है पेपर टफ आए, कट ऑफ ही टॉपर के मार्क्स 600 आ जाएँ, तो तुम्हारे 500 मार्क्स भी बहुत हुए ना उस टाइम पर। तो हमें सोचना ही नहीं है, पेपर जैसा होगा वो सबके लिए होगा। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना, अपना 100% देना है, रिजल्ट कुछ भी हो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तुम हमेशा खुश रहोगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय।